ये बच्चा आगे बढ़ रहा है इस वक्त और भी इतनी गति के साथ। इस समय हमारे साथ 8 साल के प्रभात रंजन मौजूद हैं। आपको बता दें कि 3 साल की उम्र से ही ये फोटोग्राफी में इनकी रुचि बढ़ी है और लगातार इन 5 सालों में ये फोटोग्राफी कर रहे हैं। कई सेलिब्रिटी, मनोज वाजपेयी से लेकर विद्युत जामवाल तक कई सेलिब्रिटी जो हैं उनकी तस्वीरें ले चुके हैं, कई नेताओं से तारीफ भी सुन चुके हैं और कई मंचों पर इनको सम्मानित भी किया जा चुका है और कई इंटरव्यू में ये पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। इनके पिताजी बताते हैं कि 8 साल की उम्र में ये 22 इंटरव्यू दे चुके हैं। हमारे साथ प्रभात जी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर कैमरा को लेकर जो आपकी रुचि है, कब सबसे पहले कब लगा था आपको कि कैमरा हमको चलाने आना चाहिए? जब मैं 2 साल की उम्र का था तब मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा था, तब से मुझे रुचि है कि मैं कैमरा चलाऊंगा। अच्छा लगता है कैमरा चलाना? हाँ। सब कुछ जानते हैं कैमरा चलाने के बारे में? हाँ। क्या है जरा बताइएगा तो? यहाँ से सेटिंग चेंज होता है। जगह पे आप जा चुके हैं, पहली बार जब फोटोग्राफी कहाँ पर किए थे? पहली बार तो बहुत दिन हो गया, पता है, भूल गया। किसका किसका फोटो खींचे हैं अभी तक? बहुत सारा, विद्युत जामवाल, मनोज वाजपेयी और कौन कौन हीरो का? मिनी सुमन, शेखर सुमन। अच्छा, सबकी फोटो खींच चुके हैं? हाँ। अच्छा। बोलते हैं कि जब भी मैं फोटो खींचता हूँ उनका, मेरी तारीफ करते हैं। अच्छा, तो पूरा 2.5 साल से ही आ गया था पूरा कैमरा चलाने वाला सब कुछ? हाँ। कैसा लगता है कैमरा जब आपके हाथों में आता है तो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मन करता है खूब फोटो खींचे। हाँ। अभी कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी 2 में। 2 में कहाँ पे पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में? संत कैलाश प्राइमरी स्कूल में, बोर्डिंग रोड। प्रभात के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको अच्छे से बताएंगे कि आखिर प्रभात के अंदर एक कैमरा को लेकर जो कीड़ा है वो कब जागा था और अब तक जो सफ़र रहा है इन 5 सालों में, 3 साल से लेकर अभी 8 साल के बीच में कहां कहां प्रभात जा चुके हैं और कहां कहां से इनको जो है वो प्रोत्साहित हुए। ये जब पहली बार घर में भाई की शादी थी तो भाई ने कैमरा खरीदा था घर में, और नया नया कैमरा था और जब मैं घर पे लेके आया था तो उसी से मैं वो मांगा था कैमरे को, उसमें वो 2 साल का भी नहीं था, वो 2 साल यानी 1 महीने बाद 2 साल का होता है वो। तो हुआ था क्या ना कि जब वो मांगा तो मैंने डरते दिया था कि मतलब कहीं ये गिरा ना दे, तो मैंने पकड़ के दिया था। और आज 8 साल की उम्र में कोई कैमरा नहीं बचा हुआ है कि जो जिसे ये नहीं चला सके, सारे कैमरे से ये फोटो क्लिक कर चुका है, चाहे वो महंगा से महंगा कैमरा क्यों ना हो इसको मिल जाता है, लोग इसके टैलेंट को देख के दे देते हैं, ये बच्चे को नाराज नहीं करते हैं और ये अपना मतलब बखूबी से उसको हैंडल करके दिखा देता है लोगों को। कौन कौन सेलिब्रिटी की तस्वीरें अभी तक खींच चुका है? अभी तक ये मिलिंद, सबसे पहले तो मिलिंद सर की फोटो खींच चुका है, मिलिंद सुमन सर। मिलिंद सर का एक कंडीशन था कि 20 पुशअप जो मेरे सामने करेंगे उसी के साथ मैं सेल्फी लूँगा, और इसने मिलिंद सर के सामने 1 हैंड पुशअप किया। अच्छा। एक हाथ पे पुशअप किया 20 बार। मिलिंद सर यानी बहुत इम्प्रेस हुए इससे देख के कि नहीं मतलब बिहार में एक छोटा सा बच्चा जो उनके सामने एक हाथ पे पुशअप करने का क्षमता रखता है, उसकी फ़ोटो भी है मेरे पास। अच्छा। और आरजे अपूर भी साथ में थे, उन्होंने कहा कि नहीं राजीव जी मैं इसको आज मिलवा के ही रहूँगा। और सबसे पहली बात है कि बिहार में जो टैलेंट है ना तो उसको ज़रूरी है लोगों को दिखाना कि हाँ क्या कर सकता है, तो ये मिलिंद सर के सामने एक हाथ से पुशअप करके दिखा दिया था वो। तो मिलिंद सर भी इसके साथ, मिलिंद सर की फ़ोटो क्लिक की और मिलिंद सर के साथ फ़ोटो खिंचवाया भी आपका। और कहाँ कहाँ जाते हैं? उसके बाद ये विद्युत जामवाल भी इसकी फ़ोटोग्राफी की तारीफ कर चुके हैं। मनोज वाजपेयी सर अपने इंस्टाग्राम के रील में इसकी फ़ोटो शेयर कर चुके हैं, इंस्टाग्राम के रील में जो 3 दिन का उनका जो दिल्ली पटना का 2 दिन का दौरा था, तो लास्ट दिन का जो आप रील देखिएगा तो उसमें मिलिंद सर के साथ इसका भी फ़ोटो है, वो अपने रील में शेयर किए हैं आपका। मनोज वाजपेयी अपने रील में इसका फ़ोटो शेयर किए हैं। उसके बाद ये शेखर सुमन सर से मिल चुका है आपका, और फिर ये संजय मिश्रा सर, जब चिल्ड्रेन फिल्म एकेडमी का जो ये
आपका जू में प्रोग्राम चल रहा था तो वहाँ पे संजय मिश्रा सर आए हुए थे, तो वहाँ पे पहली बार इसे मिले थे और पहली बार ये इसके मतलब इतनी कम उम्र में इसके कॉन्फिडेंस को देखे, मतलब वो भी तारीफ की इसके कॉन्फिडेंस को। तो आपका सिर्फ सोनू सूद से मिल नहीं पाया, उनकी फोटोग्राफी की लेकिन उनसे मिल नहीं पाया, बहुत भीड़ था और मतलब मिलना पॉसिबल नहीं हो पाया उनसे, लेकिन है कि अगली बार जब भी आएंगे तो मतलब प्लान है कि सोनू सूद सर का भी फोटो खींचे। फैशन शो में भी तस्वीरें ले चुका है। हाँ हाँ, ये पटना फैशन वीक, इसकी समझिए कि फोटोग्राफी की शुरुआत पटना फैशन वीक से हुई है। सीज़न वन में उसमें 3 साल का था तो मैं सीज़न वन में लेके गया था इसको, और वहाँ पे वो फोटोग्राफी उस समय का जो फ़ोटो खींचा वो अभी भी है, और उसकी इसके फोटोग्राफी करते हुए एक फुटेज जो है वो जो पटना फैशन वीक के वीडियो में भी वो लिया दिया गया आपका। आगे क्या बनना चाहते हो जो बड़े होके? फोटोग्राफर बनना चाहते हो। जब जाते होगे तो क्लास में तो तुम इकलौते होगे अपने दोस्त में जो तस्वीर वगैरह फोटो वगैरह खींचते होगे, दोस्त लोग क्या बोलते हैं? विश्वास ही नहीं होता हम लोग को, बोल देगी ई झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। उन लोग को भरोसा नहीं होता है कि तुम फोटो खींचते हो। तुमको दिखाए हो अपना फोटो कभी? नहीं। उनके सामने कभी खींचे हो? नहीं, स्कूल में कैमरा ही नहीं मिला कभी, कैमरा ही नहीं मिलता। इसका फोटो ये फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ इंडिया के क्लिक मैगजीन में इसका इसके बारे में स्टोरी छप चुका है आपका, बिहार के बच्चे का स्टोरी मुंबई की मैगजीन में छपा आपका फोटोग्राफी मैगजीन में। तो कोई फोटोग्राफर है जिसे तुम सीखते हो? नहीं, किसी के जैसा आगे चल के बनना है? अगर है भी तो कोई फोटोग्राफर पापा हैं। हाँ। पापा ही सिखाते हैं? कभी कभी सेटिंग सिखाते हैं। अच्छा, इन्हीं से सारा कुछ सीखे, इन्हीं के जैसा बनना चाहते हो? बहुत बढ़िया। देख सकते हैं आप 8 साल का ये छोटा सा बच्चा है जो पिछले 5 सालों से, यानी कि जब इसकी उम्र 2.5 से 3 साल थी तब से लेकर आज तक ये फोटोग्राफी करता है, कई बड़े बड़े मंचों पर जाकर तस्वीरें ले चुका है, कई बड़े बड़े मंचों पर जाकर सम्मानित भी हो चुका है, और आगे इसका सपना है कि अच्छे से ट्रेनिंग ले और एक बढ़िया फोटोग्राफर है वो बने। जब इसकी प्रेरणा के बारे में हमने पूछा तो ये कहा कि अपने पिताजी से ये अभी तक सीखा है और उन्हीं के जैसा एक फोटोग्राफर बनना इसकी इच्छा है। तो पटना से न्यूज 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।